तो आप लोग काफ़ी लोग मैसेज करके मुझे बोल रहे थे सर सीपीओ 2019 के लिए स्ट्रेटजी बता दो, 2018 को ध्यान में रखते हुए और किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में भी थोड़ा आइडिया दे दो। तो अभी लगभग आपके पास 2.5 महीने बचे हुए हैं। 11 से 13 दिसंबर में आपका सीपीओ Tier 1 होगा 2019 का। तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल में यहाँ पर बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, मॉक टेस्ट देते वक्त किस चीज़ का ध्यान रखना है, रिविज़न किस तरीके से करनी है। साथ ही साथ पूरा प्लान बताऊँगा मैं आपको, बुक लिस्ट भी बता दूँगा और पैटर्न के बारे में भी थोड़ा सा आइडिया दूंगा। जो लोग पहली बार दे रहे हैं सीपीओ शायद उन्हें अच्छे से पैटर्न के बारे में भी ना पता हो, तो थोड़ा सा पहले पैटर्न के बारे में बात करेंगे, फिर सिलेबस, स्ट्रेटजी, सारी चीज़ों पे हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। तो पूरी वीडियो ध्यान से सुनना। जो लोग पहली बार दे रहे हैं उन्हें तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा ही इस वीडियो से। जो लोग दूसरी या तीसरी बार पेपर दे रहे होंगे, ठीक है, मैं उनसे यही कहूँगा कि आपको अपनी स्ट्रेटजी खुद बनानी चाहिए। वीडियो पूरी देखो, इसमें से कुछ अच्छे पॉइंट्स आपको मिलेंगे, वो नोट कर लो और बाकी अपनी स्ट्रेटजी आप खुद प्लान करना, ठीक है, क्योंकि आपका जो अभी लेवल है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा उन लोगों से जो पहली बार पेपर दे रहे हैं। तो स्टार्ट करता हूं मैं। सबसे पहले अगर हम सीपीओ Tier 1 के पैटर्न की बात करें तो आपका पेपर 200 नंबर का होता है। इसमें 4 सेक्शंस आते हैं, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश, ठीक है। चारों ही सेक्शन से 50-50 क्वेश्चन होते हैं, 50-50 मार्क्स के चारों सेक्शन होते हैं आपके Tier 1 में। और इसके लिए आपको कितना टाइम मिलता है? 2 घंटे। 2 घंटे के अंदर आपको ये सारा सेक्शन कम्प्लीट करने होते हैं। 200 क्वेश्चन होते हैं टोटल। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देना है आपको, यहाँ पे ना ही कोई सेक्शनल कट ऑफ होती है। जो आपकी कट ऑफ निकाली जाएगी Tier 1 के बाद वो 200 नंबर में से निकाली जाएगी। ये मैटर नहीं करेगा रीजनिंग में या क्वांट में या जनरल अवेयरनेस में या इंग्लिश में आपके कितने स्कोर हैं। और अगर हम टाइम की भी बात करें, चारों सेक्शंस में आप कभी भी किसी टाइम पर जा सकते हो एग्जाम में। मतलब अगर आप रीजनिंग अटैम्प्ट कर रहे हो, रीजनिंग अटैम्प्ट करते करते आप क्वांट पे जा सकते हो, क्वांट अटैम्प्ट करते करते जनरल अवेयरनेस पे, जनरल अवेयरनेस अटैम्प्ट करते करते इंग्लिश पे। ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स टाइम है रीजनिंग के लिए या फिक्स टाइम है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप कभी भी किसी भी सेक्शन में जाके क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो, क्लियर। तो ये थोड़ा सा Tier 1 के पैटर्न के बारे में है। एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, इस बार नॉर्मलाइजेशन होगा। 2019 में भी, 2018 में नॉर्मलाइजेशन हुआ था और 2019 में भी नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। और आपका पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। सही करने पे आपको 1 नंबर मिलता है और गलत करने पे -0.25 डिडक्ट कर लिए जाते हैं, क्लियर, ठीक है। Tier 1 का पैटर्न है। इसके बाद अगर हम बात करें Tier 2 होगा आपका, जिसमें सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज पूछी जाती है। 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर के होते हैं। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का। सही करने पर आपको A+1, गलत करने पर -0.25 डिडक्ट कर लिया जाता है। टाइम 2 घंटे ही मिलता है, ठीक। तो Tier 1 होने के बाद आपका Tier 2 एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। उसके बीच में पहले आपका फिजिकल भी होता है, उसके बाद Tier 2 होता है। तो अगर हम बात करें ओवरऑल, जो आपकी टोटल मेरिट लिस्ट बनेगी वो 400 नंबर में से बनेगी, ठीक है। 200 नंबर Tier 1 के और 200 नंबर Tier 2 के। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो 250 नंबर की तो आपकी सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज पूछी जा रही है। तो यहाँ पे एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी है, बैकग्राउंड अच्छा है, तो काफ़ी अच्छे चांसेस है कि आप इस पेपर को क्लियर कर जाओ। नो डाउट आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी इस एग्जाम में बहुत ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि फिजिकल भी होता है आपका और मेडिकल टेस्ट भी होता है, जो कि बहुत आसान नहीं होते, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पे रह जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज पे आपकी कमांड होनी जरूरी है अगर आप इस पेपर को दे रहे हो, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश लैंग्वेज की भी प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो पूरी वीडियो में बने रहें। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ अभी आपको क्या करना है। सबसे पहला काम, अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, सबसे पहले आपको अपना प्रेजेंट लेवल टेस्ट करना होगा कि आप प्रेजेंटली किस लेवल पर हो। आपको क्या करना है, SSC CPO 2018 का जो रिसेंटली पेपर हुआ था उसका Tier 1 का आपको पेपर देना है। Tier 1 का पेपर देके 2 या 3 सेट ले लेना आप। 2 या 3 सेट की प्रैक्टिस करनी है सबसे पहले आपको। उनमें देखना आपको कितना स्कोर आपका आ रहा है प्रेजेंटली, 200 में से कितने नंबर आप स्कोर कर पा रहे हो। बिल्कुल जैसे एग्जाम दोगे आप, 2 घंटे का टाइम लगा के बैठना, ठीक है। पूरा पेपर एक बार की में देना और देखना आपका स्कोर कितना आ रहा है। सेक्शनल स्कोर यहाँ पे आपको देखना है कि इंग्लिश में कितने आ रहे हैं, क्वांट में कितने आ रहे हैं, रीजनिंग में कितने आ रहे हैं और जनरल अवेयरनेस में कितने आ रहे हैं। जनरल अवेयरनेस का मैं आपको बता देता हूँ, आप टेस्ट दोगे हो सकता है 50 में से आपके 10 या 12 नंबर ही आए, अगर आपने कोई और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अभी आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, क्योंकि उसमें करंट अफेयर्स के काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे और जनरल अवेयरनेस थोड़ी सी अजीब आई थी CPO की। तो हो सकता है 10 से 12 नंबर ही आपके 50 में से आए। तो जनरल अवेयरनेस पे थोड़ा सा ज़्यादा डिमोटिवेट नहीं होना है, वो जब पेपर सोल्व करो। बाकी तीनों सेक्शंस को बहुत अच्छे से एनालाइज करना है कि कितना कितना आप स्कोर कर पा रहे हो, खासतौर पे इंग्लिश को, जिससे कि आपको आइडिया लगे कि आप प्रेजेंट लेवल क्या है। उस हिसाब से आपकी स्टडी चलेगी, उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा आप कितना टाइम डिवोट कर सकते हो इस एग्जाम के लिए, ठीक। तो यहाँ से आपको प्रेजेंट स्टैंडिंग पता चलेगी, साथ ही साथ आपको ये पता चलेगा कि पेपर का पैटर्न क्या होता है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और आपको ये भी पता चलेगा कि टाइम का कंस्टेंट आपके साथ आ रहा है नहीं आ रहा, आप 2 घंटे में कितने क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हो, कितने क्वेश्चन छूट रहे हैं, सारी चीज़ों को आपको आइडिया लग जाएगा। आपके अपने आपको अपने वीकर सेक्शन पता चल जाएंगे कि कौन से सेक्शन आपको वीक है, कि आपका क्वांट ज़्यादा वीक है या रीजनिंग ज़्यादा वीक है, ठीक है। तो हो सकता है आपकी रीजनिंग वैसे इतनी अच्छी ना हो, बैंकिंग के हिसाब से आपकी रीजनिंग अच्छी ना हो, लेकिन ये हो सकता है सीपीओ के हिसाब से आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी हो, क्योंकि उसमें लेवल का बहुत ज़्यादा फर्क होता है। एसएससी में जो रीजनिंग होती है वो कंपेरेटिवली काफ़ी हल्की होती है बैंक के हिसाब से, ठीक है। वहीं क्वांट की बात करें, क्वांट में भी एसएससी का लेवल थोड़ा सा अलग होता है बैंकिंग से, तो आपको वहाँ पे देखना है कि एसएससी के सीपीओ के हिसाब से आपका प्रिपरेशन आपकी फ़िलहाल कैसी है, ठीक है। और उसके बाद आपको ये देखना है कि आप दिन में कितने घंटे पढ़ सकते हो, ठीक है। हर एक बंदे का अलग रूटीन होता है, कुछ लोग जॉब के साथ प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता प्रिपरेशन के लिए, कुछ लोग होते हैं जो डायरेक्टली जॉब नहीं कर रहे हैं, अभी स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज के साथ साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, लास्ट ईयर में और प्रिपरेशन कर रहे हैं। कुछ इस तरह के लोग भी होते हैं जो खाली एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं घर पे बैठ के, ठीक है। तो वो ज़्यादा टाइम डिवोट कर पाते हैं, और उसमें भी ये होता है कुछ बंदे दिन में 12 घंटे भी पढ़ लेते हैं, और कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो सिर्फ 8 घंटे पढ़ पाते हैं, और कुछ 6 घंटे वाले भी होते हैं, ठीक है। प्रिपरेशन तीनों ही तरीके से हो सकती है, 8 घंटे, 12 घंटे और 6 घंटे, ठीक है। ये आपके कैपेसिटी पर डिपेंड करेगा कि तो आप जितना पढ़ते हो उसमें कितना गेन कर पाते हो, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि आप दिन के कितने घंटे निकाल सकते हो इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि आपकी स्ट्रेटेजी उसी हिसाब से चलेगी। आप हो सकता है कि आपको लगे आपने बहुत सारी बुक्स इकट्ठी कर ली कि मैं एक बुक कर लूँगा, वो बुक कर लूँगा, लेकिन आप देखो आपके पास टाइम की कमी रह जाए, आप दिन में 8 घंटे पढ़ रहे हो और आपके पास 2.5 महीने हैं, 2.5 महीने में वो बुक सारी कंप्लीट नहीं हो पाएंगी। तो आपको यहाँ पे लिमिटेड चीज़ें पढ़नी है, इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है, जिससे कि आपका Tier 1 क्वालिफाई हो जाए, और फिर Tier 2 में जान लगा के इंग्लिश पढ़नी है जिससे कि Tier 2 भी क्वालिफाई कर जाओ, ठीक है। साथ के साथ आपको फिजिकल की भी तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है, उसके ऊपर भी आएंगे। तो सबसे पहले ये करना है आपको, आपने पेपर दिया Tier 1 का, उसके बाद कट ऑफ का देखना है कि कट ऑफ से आपके मार्क्स कितने कम या ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको पता होगा एसएससी सीपीओ में वुमेन की कट ऑफ अलग निकलती है और मेल की कट ऑफ अलग निकलती है, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट्स की अलग, मेल कैंडिडेट्स की अलग। तो यूआर कैटेगरी की बात करें, अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें, तो यहाँ पे पिछली बार जो फीमेल की कट ऑफ गई थी वो गई थी आपकी 137.60 मार्क्स, और अगर हम बात करें मेल कैंडिडेट्स की तो उनकी कट ऑफ गई थी 140.08 मार्क्स। ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन थी, ठीक है। जब आप पेपर दोगे तो आप कोशिश करना, अगर आप 130 के आसपास ला रहे हो तो ये समझ के चलोगे आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, क्योंकि कुछ शिफ्ट्स आसान थी, बाकी कुछ शिफ्ट्स में 20-20 नंबर भी बढ़े थे, 25-25 नंबर भी बढ़े थे, ठीक है। तो एवरेज में हम मान के चलें 10 से 15 नंबर बढ़े थे। तो अगर आप 130 स्कोर कर पा रहे हो अभी, तो इसका मतलब कट ऑफ के आसपास हो और काफ़ी ज़्यादा चांसेस आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो और इस बार ही जॉब ले सकते हो, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे 130 के कट ऑफ आसपास कट ऑफ मान के चलो और अपनी प्रैक्टिस करो यूआर कैटेगरी से। बाकी कैटेगरीज की आप देख सकते हो थोड़ी थोड़ी कम है, उस हिसाब से कर लेना। यहाँ पे आप देखोगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी नहीं दे रखी, तो ईडब्ल्यूएस वाला इस बार रिजर्वेशन मिलेगी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भी अलग से सीट्स होंगी। 2018 का जो सीपीओ हुआ था उसका फॉर्म बहुत पहले भरा गया था, तो इसलिए उसके लिए अलग से सीट्स नहीं थी। जब फॉर्म भरा गया था, जब ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया नहीं आया था, तो उसकी सीट्स इस बार 2018 में नहीं थी, लेकिन 2019 में ईडब्ल्यूएस के लिए भी अलग से सीट्स होंगी। क्लियर। तो कट ऑफ से आपको देखना है कि आप कहाँ अभी हो, क्या आपका प्रेजेंट लेवल है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब स्ट्रेटेजी पे आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए वीडियो बनाई जा रही है, ठीक है। स्ट्रेटेजी की अगर हम बात करें, यहाँ पे सबसे पहले हम रीजनिंग सेक्शन की बात करते हैं। जो एसएससी में आपका रीजनिंग सेक्शन पूछा जाता है वो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, और उसके लिए आपको किसी कोचिंग की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बिना कोचिंग के भी आप रीजनिंग सेक्शन बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीपीओ हो या सीएचएसएल हो या एमटीएस हो, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहली बात, रीजनिंग के लिए आपको बिल्कुल भी कोचिंग की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, यूट्यूब पे आप सर्च करोगे, ठीक है। आपको प्लेलिस्ट सर्च करनी है जिसमें पूरा रीजनिंग करा रखा हो। यूट्यूब पे मिल जाएंगे आपको काफ़ी चैनल्स जिन्होंने पूरा रीजनिंग का करा रखा होगा, तो कोई भी एक अच्छा चैनल चुन लो, वहाँ से सारी जो जितनी भी प्लेलिस्ट में वीडियोज़ मिलेंगे आपको रीजनिंग सेक्शन की, वो सारी या तो डाउनलोड कर लो या फिर उस प्लेलिस्ट को सेव कर लो, जिससे कि आप उसमें से देख सको। सबसे पहला काम आपको यही करना है कि रीजनिंग का जो भी आप प्लेलिस्ट देखोगे वो सीपीओ की हो, सीएचएसएल की हो या सीजीएल की हो, तीनों में ही लगभग लेवल सेम सा होता है। इस बार सीजीएल में थोड़ा सा रीजनिंग का लेवल अप हुआ था, लेकिन प्लेलिस्ट जिसकी भी मिले आपको इन तीनों एग्जाम का, क्योंकि कोर्स सेम ही है, तो तीनों में से किसी की भी प्लेलिस्ट आपको अगर यूट्यूब पे कंप्लीट मिल जाती है, वो प्लेलिस्ट सेव कर लो और वहाँ से सारी वीडियो एक बार की मैं देख रहा हूँ, ठीक है। एक टॉपिक पकड़ो, एक टॉपिक पकड़ा, उसकी सारी वीडियो देखी, उसके बाद एक प्रीवियस ईयर की बुक उठा ली, ठीक है। राकेश यादव की बुक आती है, किरण पब्लिकेशन की बुक आती है रीजनिंग की, प्रीवियस ईयर की, वो बुक ले ली। जो टॉपिक पढ़ा आपने प्लेलिस्ट में से यूट्यूब से, साथ ही साथ उस चैप्टर को खोला प्रीवियस ईयर में से, और उस चैप्टर के साथ प्रैक्टिस कर ली, वो चैप्टर आपका पक्का होता चलेगा, ठीक है। इसी तरह से सभी चैप्टर्स के लिए आपको करना है, सिलेबस मैं आपको अभी दिखा दूंगा, ठीक है। इसी तरह से सारे चैप्टर्स आपने कर लिए, ठीक है। ये तो आपको करना है प्रीवियस ईयर से। बाकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, लास्ट 3 ईयर्स के प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा मस्ट है, ठीक है। लास्ट 3 ईयर्स के प्रीवियस ईयर जरूर करके जाना रीजनिंग के, और साथ ही साथ CGL 2018 के प्री के रीजनिंग के सेट जरूर कर लेना, क्योंकि प्री के सेट बहुत जरूरी है। CGL 2018 के भी, क्योंकि इसमें रीजनिंग का लेवल हल्का सा अब देखने को मिला था, और ये CPO में भी हो सकता है थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया जाए अगली बार। तो CGL 2018 प्री के रीजनिंग के सेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपके लिए सोल्व करने, ठीक है। वो सोल्व कर लेना। उसके बाद अगर हम बात करें सिलेबस में आपको अभी दिखा दूंगा। सबसे ज़्यादा फोकस आपका रीजनिंग में कहाँ होना चाहिए, मिसिंग नंबर्स पे या सीरीज वाले क्वेश्चंस पे। ये वो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें हमारी सबसे ज़्यादा गलतियाँ हो जाती हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल पार्ट होता है। क्वेश्चंस कैसे भी फ्रेम किया जा सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन के ऐसा भी हो सकता है 2 आंसर हो, लेकिन ऑप्शंस में आप चेक करोगे तो आपने ऑप्शन के हिसाब से भी आपको सही चुनना पड़ता है। तो मिसिंग नंबर और सीरीज वाले क्वेश्चंस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है आपको। बाकी जो बॉक्सेस वाले होते हैं, जैसे कि एक बॉक्स दे दिया, ठीक है, यहाँ पे एक वैल्यू आ गई कि यहाँ पे दे दी, 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 और यहाँ पे पूछ लिया गया कि यहाँ पे क्या गया। तो इस तरह के पैटर्न भी आपको पता होना चाहिए। बॉक्सेस वाले क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से करने हैं आपको। जहाँ पे भी मिसिंग टर्म वाले क्वेश्चन है उन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि गलतियाँ होने के चांसेस वहीं होते हैं, और एग्जाम में वहीं पे हम लॉजिक नहीं लगा पाते, बल्कि डायरेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, देखते ही आप कर पाते हो। ब्लड रिलेशन की लिमिटेड चीज़ें होती हैं, वो क्वेश्चन आपने बड़ा आप कर ही लेते हो, उसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की आपको जरूरत नहीं होती। लेकिन सीरीज और मिसिंग टर्म, इनमें ज़्यादा मेहनत की जरूरत होती है, तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें, जिस भी सोर्स से आपको मिल जाए प्रैक्टिस करें। और ये चीज़ है, एक बार वीडियो देख के आपको सीरीज पता चल गई कौन कौन से सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा। उसके बाद आप बुक से प्रैक्टिस करते रहो, जो सी भी बुक मिले, चाहे आपके पास RS अग्रवाल है या कोई और भी रीजनिंग की बुक है आपके पास, या आपने कभी कोई कोचिंग ले रखी हो, वहाँ से जो मटेरियल मिला हो, उसमें भी अगर ये चैप्टर्स दे रखे हैं तो वहाँ से प्रैक्टिस करो सीरीज की। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर, ठीक है। एग्जाम में भी पेपर देते टाइम यही फोकस रखना होता है कि अगर इस तरह के मिसिंग टर्म वाले क्वेश्चंस मिले, एक बार की मैं देखा आंसर आ गया, ठीक है, वरना आगे बढ़ दो, लास्ट के लिए छोड़ दो। क्योंकि इसमें कई बार क्या होता है, हमें लगता है आंसर आएगा लेकिन आता नहीं है, ठीक है, वो छूट जाते हैं, गलती हो जाती है उसमें। रीजनिंग में हम ज़्यादातर मार्क्स वहीं कटेंगे आपके, ठीक है। और एक बार कहीं पर काउंटिंग फिगर्स वाले क्वेश्चंस भी हैं, तो उनकी भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेना। काउंटिंग फिगर्स वाले क्वेश्चंस में भी गलती होने के चांसेस रहते हैं, और उसकी कुछ ट्रिक्स भी होती हैं, वो ट्रिक्स भी आपको पता होनी चाहिए, क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करें, जो लोग बैंकिंग की रीजनिंग देख के कई बार घबरा जाते हैं, SSC में रीजनिंग काफ़ी ईजी रहती है बैंकिंग से, तो उसे देख के नहीं घबराना। SSC के हिसाब से आपको तैयारी करनी है, कहीं बैंकिंग की वीडियो मत देख लेना रीजनिंग के लिए, ठीक है। इस चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखना है, इसलिए कह रहा हूँ पहले प्रीवियस ईयर उठाओ, प्रीवियस में देखो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन रखो आप। अगर आप दिन के 2 महीने तक 1.5 घंटा भी रीजनिंग को दे दोगे ना, तो 2 महीने के अंदर आपकी रीजनिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी और काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाओगे। हो सकता है 50 में से आप 48 भी अटैम्प्ट कर दो रीजनिंग के, ठीक है। 50 क्वेश्चन है, 50 में से 48 भी आप रीजनिंग के कर सकते हो, ठीक है। हो सकता है 50 में से 50 कर दो, हो सकता है 45 करो, लेकिन अगर 2 महीने आपने 1.5 घंटा भी रीजनिंग के लिए दे दिया तो इतना आप कर पाओगे रीजनिंग में, ठीक है। बाकी लेवल पे भी डिपेंड करेगा पेपर के, लेकिन यही चीज़ है जो अब तक चलता हुआ आ रहा है। अगर इस हिसाब से पेपर आया तो आप डेफिनेटली ऐसा स्कोर करोगे रीजनिंग में, ठीक। और रीजनिंग में टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं लगता, रीजनिंग का सेक्शन आप जल्दी कर पाते हो कंपेटिवली क्वांट सेक्शन के। तो रीजनिंग का ये सिलेबस है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये मैंने डायरेक्टली वहीं से उठाया है नोटिफिकेशन से, ठीक है। ये सारा सिलेबस है, आपको सिलेबस पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको सिलेबस का आइडिया है तो आप सारी चीज़ें कर पाओगे। ऐसा मत करना कि सिलेबस से बाहर की कोई चीज़ आप पढ़ के जा रहे हो, या फिर सिलेबस में कोई ऐसी चीज़ है जो आप छोड़ के जा रहे हो। हर टॉपिक के बारे में आपको पता होना चाहिए, प्रैक्टिस सीरीज वगैरह की ज़्यादा करनी है, लेकिन सिलेबस में जो जो टॉपिक्स हैं सबके बारे में आइडिया होना चाहिए आपको, क्लियर। इसके बाद रीजनिंग के बाद क्वांट सेक्शन की बात करते हैं कि क्वांट सेक्शन आपको कैसे करना है। क्वांट सेक्शन में जब से TCS वेंडर चुना गया, आपने देखा होगा CPO का पेपर हुआ, CGL का पेपर हुआ और CHSL का भी पेपर हुआ। और इसमें पहले क्या होता था, प्री में ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस नहीं होते थे क्वांट के, लेकिन अब क्वांट Tier 1 में भी लेंथी पूछने लगे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कैलकुलेटिव भी आ रहा है पेपर, कई बार DI कैलकुलेटिव आ जाता है, कई बार अर्थमेटिक कैलकुलेटिव आ जाता है। तो आपको एटलीस्ट 15 से 20 मिनट रोज सुबह उठ के कैलकुलेशन को देनी ही देनी है, ठीक है। कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज भी रखी है, जिसमें बहुत सारी वीडियो जो मैंने बता रखा है कैलकुलेशन को कम से कम टाइम में कैसे कर सकते हो, वैदिक मैथ्स की ट्रिक्स भी बता रखी हैं, और भी एग्जाम बेस्ड अप्रोचेस भी आपको बता रखी हैं, वो आप देख सकते हो। साथ ही साथ एक और वीडियो आएगी जिसमें कैलकुलेशन की जितनी भी ट्रिक्स हैं, सारी ट्रिक्स को एक बार कंपाइल करके बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि CGL 2018 मेंस में क्या हुआ, थोड़ा कैलकुलेटिव पेपर बनाया गया था, उसी लिए मैं वो वीडियो ला रहा हूँ, और उससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और उसके बाद आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है कैलकुलेशन सीखने के लिए, कैलकुलेशन आपकी प्रैक्टिस से इंप्रूव होगी, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर रहोगे। और रोज अगर आप दिन के 15 से 20 मिनट भी दोगे ना 1 महीने तक, तो आप कैलकुलेशन में देखोगे बहुत अच्छे हो जाओगे। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, अगर हम कैलकुलेशन की प्रैक्टिस नहीं करते तो हम भागते हैं। एग्जाम में भी क्वेश्चन दिखा जिसमें ज्यादा कैलकुलेशन होगी, हम उससे बचने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चंस कैलकुलेटिव आ गए ना तो फिर हमें बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो कैलकुलेशन की आप प्रैक्टिस अभी से बना के चलो, रोज के 15 से 20 मिनट दो बस कैलकुलेशन के लिए, आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो कैलकुलेशन से घबराना बिल्कुल भी नहीं है, कैलकुलेटिव पेपर होएगा तो आपको बेनिफिट मिलेगा अगर आप इस तरीके से करोगे। ठीक है, मैंने जब सीजीएल की स्ट्रेटेजी बताई थी 2018 की मेंस की, तो मैंने हर वीडियो में यही कहा था कि कैलकुलेशन के लिए स्पेशली टाइम डिवोट करो, और जिन लोगों ने दिया होगा कैलकुलेशन पे टाइम वो काफी अच्छे स्कोर करेंगे मेंस में भी सीजीएल 2018 में। तो कैलकुलेशन के लिए 15 से 20 मिनट आपको देनी है। ठीक है, कैलकुलेशन की ट्रिक के कंपाइल्ड वीडियो आ गई होगी या तो आ जाएगी जल्दी। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर आप कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो, क्वांट सेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, सीपीओ में आप देखोगे सिर्फ 50 नंबर का क्वांट है, टीयर 1 में क्वांट पूछा जा रहा है, टीयर 2 में क्वांट नहीं आ रहा। ठीक है, अगर आपका अबव एवरेज परफॉर्मेंस रहती है क्वांट में, ठीक है, क्वांट के लॉजिक्स आपके अच्छे हैं, तो आप बुक से भी पूरी प्रिपरेशन कर सकते हो, वरना आप कोचिंग भी लगा सकते हो। यूट्यूब पे भी बहुत सारे टीचर्स की वीडियोज अवेलेबल हैं, आप वो देख सकते हो, लेकिन वही है कि एक टीचर की सारी वीडियोज मिलना बहुत मुश्किल है। कोई भी टीचर पूरा कोर्स यूट्यूब पे फ्री में नहीं देता है, तो कुछ कुछ पोर्शन मिलेगा आपको अलग अलग टीचर्स से पढ़ना पड़ेगा या तो, या फिर आप क्या कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे चैनल्स ऐसे भी हैं जो प्रोवाइड करा देते हैं सारा कंटेंट, लेकिन वो ऊपर ऊपर से होता है, डिटेल में नहीं होता, तो ऊपर ऊपर से वो वीडियोस देख ली, उसके बाद अच्छी बुक्स उठा ली और वहां से प्रिपरेशन कर ली। तो आप क्या कर सकते हो, क्वांट में अगर आपके आसपास कोई अच्छा कोर्स चल रहा है 1.5 से 2 महीने के लिए सीपीओ के लिए स्पेशली, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो आप। ठीक है, वरना यूट्यूब पे वीडियोस तो ऑलरेडी अवेलेबल है। मैंने भी क्वांट में आप देखोगे 30% कोर्स करा रखा है आपको, सीजीएल मेंस के हिसाब से करा रखा है, जिसमें नंबर सिस्टम है, ट्रिग्नोमेट्री है, अलजेब्रा है, काफ़ी अच्छे लेवल तक करा रखा है। ठीक है, अगर आप वो कर लोगे जो चैप्टर्स मैंने करा रखे हैं, कंप्लीट क्वांट प्लेलिस्ट के नाम से एक एसएससी सीजीएल कंप्लीट क्वांट नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें 8-10 वीडियो मिलेंगे आपको, तो जो चैप्टर्स मैंने करा रखे हैं वो सीपीओ के लिए मोर देन सफिशियंट है। ठीक है, उन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कर लो, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर कर लोगे तब बहुत अच्छा स्कोर करोगे क्वांट में। ठीक है, लेकिन पूरा कोर्स अभी नहीं करा रखा मैंने, 30% ही करा रखा है। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं आगे बढ़ता रहूँगा इस कोर्स में और आगे कंप्लीट करूँगा इसे। ठीक है, तो इसके बाद वो आप वीडियोस देख सकते हो, साथ ही साथ बाकी और टीचर्स भी हैं यूट्यूब पे, उनकी सर्च करो, उनकी वीडियो अच्छी लगे टॉपिक वाइज सर्च करके आप डाउनलोड करके उनसे प्रिपरेशन अपनी कर सकते हो। ठीक है, वरना कोचिंग भी लगा सकते हो 2 महीने की, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना कोचिंग लोगे तो टाइम पूछ लेना टीचर से कि टाइम पे कंप्लीट करा दें, क्योंकि ऐसा होता है टीचर बैच स्टार्ट कर देते हैं लेकिन टाइम पे कंप्लीट नहीं होता और जिन बच्चों का पेपर होता है वो खराब हो जाता है क्योंकि वो सारी चीज़ें पढ़ के नहीं जाते। तो यहाँ पे जरूरी है कि पेपर से 15 दिन पहले मैक्सिमम आपका जहाँ से भी आपने कोचिंग लिया आपका कोर्स वहाँ से कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इस टाइम पे, प्रीवियस ईयर पेपर, लास्ट 3 साल के आपको प्रीवियस ईयर पेपर देने ही है। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस करनी ही है, साथ ही साथ एसएससी सीजीएल प्री 2018 के क्वांट के सभी क्वेश्चन आपको सोल्व करके जाने, एसएससी सीएचएसएल प्री के भी क्वेश्चन सोल्व करके जाने, क्योंकि वेंडर इस बार टीसीएस है और टीसीएस ने ही सीपीओ सीजीएल लिया है और आपका भी सीपीओ टीसीएस ही लेगा। तो सेम टाइप के क्वेश्चन देखे गए हैं कि जो सीजीएल में क्वेश्चन थे वही क्वेश्चन सीएचएसएल में थे, वही क्वेश्चन सीजीएल मेंस में भी कुछ रिपीटेटिव थे, तो वो क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करके जाने, हो सकता है वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाए। ठीक है, पैटर्न वही रहेगा। ठीक है, कैलकुलेशन की भी आपको थोड़ी हैबिट लगेगी और सीजीएल 2018 मेंस के अभी जल्द ही पेपर आ जाएंगे, तो कोशिश करूंगा मैं भी उन्हें सोल्व करा दूंगा आपको, तो वो पेपर भी आपको सारे सोल्व करके जाने हैं। ठीक, उनमें से हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपको रिपीट मिल जाए और टाइप ऑफ क्वेश्चन सेम रहने वाले हैं। ठीक है, आप देखोगे 50 में से 20 से 25 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो इन्हीं पेपर में से होंगे। ठीक है, पैटर्न सेम ही होगा इन्हीं पेपर में से, तो इन्हें बहुत अच्छे से कर देना है, इस पर बिल्कुल भी ढीला नहीं पड़ना। ठीक है, पहले बेसिक सिलेबस कंप्लीट करो अपना, सिलेबस देखो क्वांट का सिलेबस क्या है वो कंप्लीट करो, उसके बाद सीधा प्रीवियस ईयर पे आ जाओ। ठीक है, प्रीवियस ईयर के कोई अटैम्प्ट करो और इनकी शॉर्ट ट्रिक्स जो बना सकते हो वो बनाओ, वरना जिस टीचर से आप पढ़ोगे अगर किसी यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हो इनके सोल्यूशन, तो वो टीचर अपने आप ही आपको ट्रिक्स बता देगा, अगर मैं करूँगा तो मैं भी ट्रिक्स बताऊँगा आपको। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें राकेश यादव एडवांस्ड मैथ्स बुक ले सकते हो आप, और राकेश यादव की अर्थमेटिक की बुक आती है वो भी काफ़ी अच्छी है। इन दोनों बुक्स को क्वांट सेक्शन के लिए आप ले सकते हो। 7300 बुक भी आती है राकेश यादव की, उसे मैं इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करता, लेकिन हाँ ये करने के बाद अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो 7300 जो मैथ्स की बुक आती है उससे प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बुक यही है क्योंकि इसमें टाइप वाइज सारी चीज़ें मिलेंगी आपको और कंटेंट अच्छा है, एग्जाम्पल्स से आप सीखोगे सारी चीज़ें, उसके बाद प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन है तो वहाँ से कर सकते हो। एडवांस्ड मैथ्स की एक बुक और आती है ब्रह्मास्त्र, वो भी काफ़ी अच्छी है, वो भी आप देख सकते हो इसके लिए। उसके बाद अगर हम बात करें मॉक्स की, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स देने हैं, क्वांट में उतने ही इंप्रूव आप होते रहोगे जितना ज़्यादा मॉक्स दोगे। ठीक है, मॉक्स से क्या होता है आपको खुद ही आपके ट्रिक्स डेवलप होने लग जाते हैं, जब आपको कम टाइम के अंदर ज़्यादा क्वेश्चन करने होते हैं तो आप अपने आप आपका दिमाग दौड़ता है, आप सोचते हो ऑप्शन की हेल्प से कैसे करें। ठीक है, अगर आप मॉक नहीं दोगे तो ऑप्शन की हेल्प से करना आपको नहीं आएगा कभी भी। ठीक है। मोक से ही आपको ऑप्शन के हाथ से क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालना आएगा, ठीक है। और वो चीज़ भी आपको आनी जरूरी है, ठीक है। कोई टीचर वो चीज़ आपको ज़्यादा नहीं सिखा सकता, ठीक है। आपको थोड़ा आइडिया दे सकता है कि किस तरह से करो, लेकिन जितने ज़्यादा आप मॉक दोगे उतना ही बेटर आप उसमें होगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक देने हैं और सीजीएल टियर 2 पे भी कुछ मॉक देके चले जाना, जिससे कि क्वांट सेक्शन आपका थोड़ा और बेटर हो जाए और एग्जाम में अच्छा कर पाओ और आपको हैबिट बनी रहे, क्योंकि वहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन आएंगे टियर 1 में सीपीओ में, ठीक है। और जो आपका सीजीएल का क्वांट का टियर 2 का क्वांट मॉक होगा उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। अगर आप 100 क्वेश्चन की थोड़ी प्रैक्टिस करके जाओगे तो 50 क्वेश्चन आपके लिए ईजी रहेंगे करने वहाँ पे, क्योंकि कई बार क्या होता है अगर हमें 50 क्वेश्चन एक साथ करने की प्रैक्टिस नहीं है तो दिमाग पे एक बर्डन सा बन जाता है, एग्जाम का प्रेशर भी होता है, तो वहाँ पे हमारी गलतियाँ ज़्यादा हो जाती हैं। तो 1-2 क्वांट के टियर 2 के भी मॉक देके जाना, ठीक है, सीजीएल के, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा सीपीओ में, ठीक है। कोशिश करो 2 से 3 घंटे रोज क्वांट सेक्शन के लिए आप दो, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है, 2.5 महीने और क्वांट का सिलेबस बहुत होता है, तो इसके लिए इतना टाइम आपको देना जरूरी है, ठीक है। मैं ये कहूँगा बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस के पीछे बिल्कुल भी मत भागना। सीपीओ का लेवल ठीक होता है, हार्ड नहीं होता क्वांट का। 2017 में क्या हुआ था, एक स्टैट्स होता है, ठीक है, जैसे कि मीन हो गया, मीडियन हो गया, मोड हो गया, वो वाला टॉपिक पढ़ के चला जाना। 2018 प्री में सीपीओ में मीडियन के ऊपर क्वेश्चन आए थे, तो हो सकता है 2019 में भी आ जाए। तो क्लास 10th की बुक उठा लोगे, एनसीईआरटी, क्लास 10th की एनसीईआरटी में स्टैट्स का चैप्टर मिल जाएगा, आप वहाँ से वो चैप्टर कवर कर लेना। हार्डली आपको आधे से पौन घंटा लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा मान लो, उसमें वो चैप्टर कवर हो जाएगा और उससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे आपके इसमें, तो वो एक बार देख के चले जाना, ठीक है। और क्वांट के लिए मैं फिर से ये कह रहा हूँ कि ज़्यादा लंबे कोर्सेज पे मत जाना सीपीओ के लिए, सिर्फ टियर 1 में पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं होती, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल पढ़ने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए बस, और थोड़ी बहुत शॉर्ट ट्रिक्स पता हो और प्रैक्टिस अच्छी हो तो आप कर जाओगे। कैलकुलेशन अगर अच्छी होगी तो भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। मेन यही होता है कि आपको 200 में से ऐसा ना हो कि आपको आता हुआ था क्वेश्चन छूट जाए, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ऐड करना है, जितना भी आप पढ़ रहे हो उसकी रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रिवीजन के बारे में मैं आपको बताऊँगा। ये आपका कुछ क्वांट का सिलेबस है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, बाकी वरना आपको पता है सभी एग्जाम्स का लगभग सेम ही, एसएससी का वही सिलेबस है। उसके बाद अगर हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की, इंग्लिश लैंग्वेज आपका टियर 1 प्लस टियर 2 दोनों में पूछा जाएगा। तो इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे करना है, जो बुक्स हैं इसके लिए रिकमेंडेड, या तो आप प्लिंथ टू पैरामाउंट ले लो, केडी कैंपस की भी आती है, सेम ही बुक है प्लिंथ टू पैरामाउंट और केडी कैंपस की जो आती है, ठीक है। नीतू सिंह मैम ने लिखी है वो बुक, ठीक है, वो काफ़ी अच्छी बुक है, तो प्लिंथ टू पैरामाउंट बुक ले लो, या फिर आप एसपी बख्शी भी एक बहुत अच्छी बुक है, ये भी बुक ले सकते हो, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक बुक या दोनों बुक, दोनों भी ले सकते हो या एक भी ले सकते हो। प्लिंथ टू पैरामाउंट में अच्छा क्या है, इसमें जो रूल्स है ना वो अच्छे हैं, ठीक है। आपके एग्जाम के हिसाब से, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस हिसाब से इंपॉर्टेंट रूल्स हैं इसके अंदर, ठीक है, वो चीज़ अच्छी है। लेकिन अगर एसपी बख्शी की बात करूँ, इसमें वोकैब पोर्शन काफ़ी अच्छा है कंपेरेटिवली प्लिंथ टू पैरामाउंट से, ठीक है। एडियम्स एंड फ्रेसेस एसपी बख्शी और प्लिंथ टू पैरामाउंट दोनों में अच्छे हैं, लेकिन वोकैब सेक्शन की बात करूँ, एसपी बख्शी में फ़ायदा ये है वोकैब सेक्शन करने का, जो वोकैबुलरी का वर्ड मिलेगा आपको उसका मीनिंग मिलेगा, साथ ही साथ एक सेंटेंस भी मिल जाएगा जिससे कि आप उसे अच्छे से रिवाइज कर पाओ। साथ ही साथ यहाँ पे आपको फ्रेजल वर्ब्स भी मिल जाएंगी, ठीक है। और प्रीपोजिशन चैप्टर यहाँ पे एसपी बख्शी में ज़्यादा अच्छा दे रखा है कंपेरेटिवली प्लिंथ टू पैरामाउंट के, तो ये कुछ फायदे हैं एसपी बख्शी के, लेकिन रूल्स ज़्यादातर प्लिंथ टू पैरामाउंट के अच्छे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि दोनों बुक ले लो तो अच्छा है, क्योंकि टियर 2 में भी पूछी जाएगी तो दोनों ही ले लेना, वरना कोई भी एक ले लो, उससे कर लो तैयारी अपनी, ठीक है। पहले एक बुक कंप्लीट करनी है अच्छे से, जैसे कि प्लिंथ टू पैरामाउंट तो आपको पूरी बुक कंप्लीट करनी ही करनी है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ एसएससी के हिसाब से, तो ये बुक तो पूरी कंप्लीट करनी करनी है। टाइम बच जाता है तो एसपी बख्शी भी आप ले लो। और एक दूसरी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है वो है एमबी पब्लिकेशन के प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट, ठीक है। एके सिंह की बुक आती है एमबी पब्लिकेशन की, इसमें प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट मिलेंगे आपको, एसएससी सीजीएल, सीपीओ और जो भी एसएससी के बाकी एग्जाम्स होते हैं स्टेनो के, उसके प्रीवियस ईयर के पेपर मिलेंगे। सीजी इनमें क्या होता है, जो इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं काफ़ी ज़्यादा रिपीट भी करते हैं प्रीवियस ईयर से, और सेम ही वोकैब वगैरह पूछी जाती है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें रिपीटेटिव होती हैं, तो वो अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लोगे। एक तो आपको लेवल पता चलता रहेगा, प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस आपकी होती रहेगी और एग्जाम में सेम क्वेश्चंस भी आपको मिल सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। इससे आपको वोकैबुलरी सेक्शन और इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है, वोकैबुलरी सेक्शन का ही पार्ट है इडियम्स एंड फ्रेजेस भी, ये सारी चीज़ें अच्छे से करनी है एमबी पब्लिकेशन से, साथ साथ इसके प्रैक्टिस सेट सोल्व करने, ठीक है। ये दोनों बुक ऐसी हैं, ये दोनों आपको मतलब ऐसा होना चाहिए, टिप्स में होनी चाहिए, और ये होने के बाद आपको मल्टीपल रिवीजन करनी है, बार बार रिवीजन करनी है इन चीज़ों की, ठीक है। इंग्लिश का ये होगा आपने बुक कंप्लीट कर ली, उसका कुछ फायदा नहीं है एक बार बुक कंप्लीट करने का, 3 से 4 बार रिवीजन आपको करनी है। प्री में 1 या 2 बार रिवीजन कर जाओ, और उसके बाद मेंस भी होगा, तो मेंस में चाहे आप कुछ नया पढ़ो ना पढ़ो, इनकी रिवीजन बार बार करते रहो, जिससे कि रूल्स भी आपके दिमाग में सेट हो, अंडरस्टैंडिंग भी आपकी डेवलप हो और आप अच्छे से प्रैक्टिस भी कर पाओ। न्यूज़पेपर रीडिंग आप कर सकते हो, एडिटोरियल पढ़ सकते हो, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम मैं नहीं कहूँगा कि आपको न्यूज़पेपर में लगाना है, ठीक है। लिमिटेड टाइम देना न्यूज़पेपर को, आधे से 1 घंटा, आधा घंटा दे दो रोज का बहुत है, ठीक है। अगर इंग्लिश मीडियम से तो आधा घंटा मोर देन इनफ है, और हिंदी मीडियम से भी हो तो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होगी, तो आधा घंटा न्यूज़पेपर को दे दो दिन का, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें वोकैबुलरी के लिए, एक तो वर्ड पावर मेड इजी बुक आती है जिसमें रूट वर्ड्स की हेल्प से आपको सिखाई जाती हैं सारी की सारी चीज़ें, तो वो आप बुक ले सकते हो, उसमें काफ़ी कम टाइम में आप अच्छी वोकैबुलरी अपनी बिल्ड कर सकते हो। बाकी एसएससी सीजीएल सीपीओ से रिलेटेड एक ब्लैक बुक भी आती है, वो भी उसमें कंपाइलेशन ही है प्रीवियस ईयर का, तो वाली बुक भी आप वोकैबुलरी के लिए देख सकते हो। एक मिरर ऑफ कॉमन एरर्स बुक आती है, इसमें कुछ अलग से तो नहीं है, लेकिन आपको क्या होगा जो ग्रामर के चैप्टर्स हैं आपके, वो सारे सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि नाउन चैप्टर के सारे क्वेश्चंस एक साथ मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, फिर अलग अलग चैप्टर्स के, तो वो भी ले सकते हो, लेकिन वो लास्ट में लेना, पहले इन बुक से कंप्लीट करो, प्लिंथ टू पैरामाउंट, एमबी पब्लिकेशन, वर्ड पावर मेड इजी, और उसके बाद टाइम बचे तो मिरर ऑफ कॉमन एरर्स देख लेना, वरना स्किप भी कर सकते हो इस बुक को, ठीक। उसके बाद अगर बात करें वोकैबुलरी की, मैंने वीडियो बना रखी है हाउ टू इंप्रूव वोकैबुलरी, मैंने एक बहुत अच्छा तरीका आपको बताया वोकैबुलरी इंप्रूव करने का कम से कम टाइम में, ठीक है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, रूट वर्ड्स की हेल्प से कैसे करना है, और फिर कैसे एसोसिएट करना है एक वर्ड को दूसरे वर्ड से, और क्या तरीका होना चाहिए आपका एग्जाम में, एग्जाम बेस्ड अप्रोच भी बता रखी है वोकैबुलरी के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, ऑप्शन की हेल्प से कैसे करना है, तो वो वीडियो देख लेना, ठीक है। रूट वर्ड्स की हेल्प से किस तरह से वोकैबुलरी याद करनी है, बहुत सारी चीज़ें उसमें बताई हैं। बाकी अगर वर्ड पावर मेड इजी की बात करूँ, इसमें भी मैंने स्टार्टिंग के 10 सेशंस मैंने आपको करा रखे हैं वर्ड पावर मेड इजी बुक के, जिसमें आप देखोगे 3 वीडियो हैं 45-45 मिनट की, उसमें 300 से 400 वर्ड आपके याद हो जाएंगे, तो वो वाली वीडियोस देख लेना, काफ़ी अच्छी हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, इसमें मेन फोकस आपका इंग्लिश लैंग्वेज में किस पे होना चाहिए, अगर आप इंग्लिश बैकग्राउंड से हो, अगर आपका बैकग्राउंड इंग्लिश में रहा है, इंग्लिश आपकी ठीक ठाक है, तो आपका मेन फोकस वोकैबुलरी और ईडियम्स एंड फ्रेसिस पे होना चाहिए, वोकैबुलरी एंड ईडियम्स एंड फ्रेसिस, ठीक है, क्योंकि इसमें ही आपको ज़्यादा एज मिलेगा। वोकैबुलरी ही एक ऐसा सेक्शन रहता है जिसमें हम वीक रह जाते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छे, न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, सब कुछ समझ आ जाता है, लेकिन वोकैबुलरी में जो एग्जाम में वर्ड्स मिलेंगे आपको वो थोड़े डिफरेंट भी होते हैं, तो वोकैबुलरी आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूव करनी है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड याद कर सको उतने ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड याद करने हैं, ठीक है। वोकैबुलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी, तभी आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो वोकैबुलरी पर ज़्यादा ध्यान देना। इस बार सीजीएल 2018 मेंस में इतना मुश्किल पेपर नहीं आया, लेकिन ये जरूरी नहीं है, सीपीओ में भी आसान पेपर है, सीपीओ में हो सकता है इंग्लिश का लेवल अच्छा देखने को मिले, तो आपको अपना 100% देना है, पूरी अच्छे तरीके से इंग्लिश पे ध्यान देना है, ठीक। तो इंग्लिश के लिए आपको टियर 1 में तो आएगा, टियर 2 में भी एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, तो वहाँ पे बहुत अच्छे से इंग्लिश पे ध्यान देना है आपको, ठीक है। टाइम कितना देना है इंग्लिश लैंग्वेज में, मैं यहाँ पे 2 घंटे या 3 घंटे नहीं कहूँगा, क्योंकि 250 नंबर, 400 में से 250 नंबर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज के हैं, तो प्री तक तो आप 2 या 2 से 3 घंटे दे दो, तब भी आपका काम चल जाएगा। उसके बाद 5 से 6 घंटे आपको रोज के कम से कम इंग्लिश लैंग्वेज पे ही देने हैं, ठीक है, क्योंकि मेन आपका टियर 2 में इंग्लिश लैंग्वेज पूछा जाएगा, तो बहुत ज़्यादा पढ़ना है टियर 2 के लिए इंग्लिश लैंग्वेज। टियर 1 में 2 से 3 घंटे रोज के दे लो, अगर निकाल पा रहे हो उतना पढ़ लो। हिंदी बैकग्राउंड से हो तो 4 घंटे भी देने पड़ेंगे आपको रोज के, और अगर आपका बैकग्राउंड ठीक ठाक है, इंग्लिश बैकग्राउंड से रहा है, इंग्लिश ठीक है, तो आप 2 घंटे भी दोगे तो आपका काम चल जाएगा 2.5 महीने के अंदर, ठीक है। तो यही है कि एक बुक को पढ़ो, जरूरी नहीं है आपको, जैसे कि मैंने कहा सबसे पहले प्लिंथ टू पैरामाउंट बुक करा, इस बुक को करने के बाद आप इसे 1 या 2 बार रिवाइज कर लो बहुत अच्छे से, उसके बाद आप एमबी पब्लिकेशन पे जाओ। ऐसा मत करना प्लिंथ टू पैरामाउंट बुक भी कर ली, एमबी पब्लिकेशन की बुक भी कर ली, रिविजन किसी की करी नहीं और पेपर में चले गए, वहाँ पे कुछ भी याद नहीं आया, तो ऐसा गलती मत करना। एक बुक करना चाहे, उसे 2 बार करके जाना, उसके बाद दूसरी बुक पे पढ़ना, ठीक है, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सिलेबस का पार्ट है आपका, ये देख लेना। कॉम्प्रीहेंशन, जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आता है इतना ज़्यादा डिफिकल्ट एसएससी में नहीं पूछा जाता, ठीक है, ईजी होता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। तो कॉम्प्रीहेंशन की में आपको फ्री के मार्क्स मिलते हैं, गीवन आपके पास टाइम बचा हो। अगर आप लेंदी कॉम्प्रीहेंशन आता है तो एग्जाम में टाइम की थोड़ी सी कमी रह जाती है, तो आपको पता होना चाहिए कॉम्प्रीहेंशन को कैसे अटैम्प्ट करते हैं। उसका अप्रोच यही होता है कि सबसे पहले आपने क्वेश्चन पढ़ लिए कॉम्प्रीहेंशन के, उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन पढ़ा और अपने आंसर मार्क करते चले गए। ज़्यादातर क्वेश्चंस का आंसर आपको पैसेज में ही मिल जाता है, आपको ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग वहाँ पे नहीं करनी होती, ठीक है। और एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आप पेपर दो, जो पैराजम्बल्स होते हैं उन्हें सबसे लास्ट में अटैम्प्ट करना होता है, पैराजम्बल्स को स्टार्टिंग में अटैम्प्ट नहीं करना, ठीक है। टियर 1 में तो आप साथ के साथ कर सकते हो, टियर 2 में के लिए बता रहा हूँ, पैराजम्बल्स लास्ट में अटैम्प्ट करना, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस की, जनरल अवेयरनेस के लिए एक प्रीवियस ईयर की बुक खरीद लेना आप, ठीक है, किरण की मिल जाएगी आपको, उससे एक बार आइडिया लग जाएगा आपको जनरल अवेयरनेस से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना, क्योंकि जनरल अवेयरनेस अनलिमिटेड है। यूपीएससी में देखोगे आप खाली जनरल अवेयरनेस ही बहुत ज़्यादा है, तो आपको एसएससी के लिए, सीपीओ के लिए उतना ज़्यादा नहीं पढ़ना होता, तो आपको एक लिमिट होती है कि आपको इस लिमिट तक पहुँचना है, और वो आपको तब पता चलेगी जब आप प्रीवियस ईयर के कुछ सेट्स दोगे, प्रीवियस ईयर की बुक देखोगे उसमें किस तरह की जनरल अवेयरनेस पूछी जा रही है, ठीक है। टॉपिक वाइज बुक आती है, ठीक है, ठीक, उसमें हिस्ट्री का पोर्शन अलग होगा, हिस्ट्री के चैप्टर्स के अलग अलग चैप्टर्स का पोर्शन अलग होगा, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको अरेंज, तो वो ले सकते हो। किरण की बुक आती है, वहाँ से एक बार देख लिया आपने पैटर्न। उसके लिए एक जनरल अवेयरनेस के लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखी है, अभी क्या है आपके पास 2 से ढाई महीने, 2 से ढाई महीने में आप जनरल अवेयरनेस कुछ भी नहीं कर सकते। सही बताऊं अगर आपने अभी तक जनरल अवेयरनेस प्रिपेयर नहीं करी है तो आप 2.5 महीने में कुछ भी नहीं कर सकते जनरल अवेयरनेस में नया, ठीक है। तो आपको क्या करना है वो वीडियो देख लेना, उसमें कुछ क्रैश कोर्सेज अवेलेबल है जो कि फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है, कुछ भी पेड नहीं है, तो उसमें से वो देख सकते हो अगर आपको टाइम मिलता है थोड़ा थोड़ा करके। जितने टॉपिक्स हो जाए हो जाए, ऐसा नहीं आपको सारे सेक्शन कवर करके जाने, हो सकता है आपका कुछ पोर्शन छूट जाए। जैसे कि अगर हम बात करें सपोज आपका इकोनॉमिक्स छूट गया, इतनी टेंशन नहीं लेनी जनरल अवेयरनेस की, ठीक है, क्योंकि पैटर्न भी चेंज होता रहता है, कई बार करंट अफेयर्स के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार कम आते हैं। ऐसे भी हुआ था 2018 में कुछ सेट में इकोनॉमिक्स से 2 या 3 क्वेश्चन थे 50 में से, ठीक है, कुछ सेट में हिस्ट्री के 7-8 क्वेश्चन थे, दूसरे सेट में 3-4 क्वेश्चन थे। तो ये चेंज होता रहता है, तो आपको जितना भी करना है अच्छे से करना है, और ऐसा नहीं करना कि बहुत ज़्यादा जनरल अवेयरनेस में डूबे हुए सिर्फ 50 नंबर के है और टियर 1 में ही है। ऐसा भी हो सकता है आप सब कुछ पढ़ के जा रहे हो तब भी आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पा रहे जनरल अवेयरनेस के, तो दिल से नहीं लेना, बिल्कुल क्रैश कोर्स करो अभी क्योंकि ज़्यादा टाइम भी नहीं है। अगर आप अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको कोचिंग लेनी चाहिए जनरल अवेयरनेस की और अच्छे से सारी चीज़ें कवर करनी चाहिए, लेकिन अभी 2 से ढाई महीने है तो क्रैश कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है। वो वीडियो मैंने बता रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी वीडियोज का लिंक डाल दूंगा जो भी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से देख लेना, ठीक है, आपको आइडिया लग जाएगा कैसे कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। पहले क्या होता था SSC में करंट अफेयर्स ज़्यादा नहीं पूछे जाते थे, जब से TCS आई है 2018 में आपने देखा वो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, CPO में भी CGL में भी सभी में। तो यहाँ पर करंट अफेयर्स करने बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है करंट अफेयर्स के लिए डेली करंट अफेयर्स आप देखो ना देखो उसका जरूरी नहीं है, आप मंथली कंपाइलेशंस मिल जाएंगी आपको, किसकी अड्डा की मिल जाएंगी, ग्रेड अप की मिल जाएंगी, वो ले सकते हो। बाकी स्टडी IQ पे भी वीडियो आती रहती है, मंथली कंपाइलेशन आता है, उनके 2 वीडियो आती है शायद मंथ में, ठीक है, एक स्टार्टिंग के 15 दिन के कंपाइलेशन आता है, लास्ट के 15 दिन के, तो वो वीडियो साथ के साथ देखते रहो। लास्ट के 6 महीने के करंट अफेयर्स आपको करके जाने हैं, और इतना भी कर लोगे आप तो करंट अफेयर में काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाओगे। बाकी कुछ टॉपिक्स होते हैं जो सिर्फ 6 महीने के नहीं आपको साल भर तक के कवर करने होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट बुक्स, जो साल भर में जो भी बुक आई बुक्स के बारे में पता होना चाहिए, अपॉइंटमेंट्स, नियुक्ति किसकी क्या हुई है, या कोई पर्टिकुलर स्टेट है उसमें चीफ मिनिस्टर कोई चेंज हुआ है तो उसके बारे में पता होना चाहिए, गवर्नर के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए, और इस तरह से बहुत पोस्ट होती है हमारी, उसके बारे में अपॉइंटमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, तो अपॉइंटमेंट बहुत अच्छे से करना है आपको, ठीक है। इंपॉर्टेंट मीटिंग्स के बारे में पता होना चाहिए, अवार्ड्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पोर्ट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अभी CGL 2018 प्री में क्या हुआ था, नेबरिंग कंट्रीज के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए थे, पहले नहीं पूछे जाते थे लेकिन नेबरिंग कंट्रीज के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे। बेसिक क्वेश्चंस थे जैसे कि जो हमारी आसपास की कंट्रीज हैं, पाकिस्तान हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, इनके नेशनल स्पोर्ट के बारे में पूछ लिया, या फिर इनके पार्लियामेंट के बारे में पूछ लिया, तो बेसिक क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए आपको नेबरिंग कंट्रीज के बारे में, ठीक है। उससे रिलेटेड CGL में क्वेश्चन पूछे गए थे, हो सकता है CPO 2019 में पूछे जाए इससे क्वेश्चन, तो ये कर लेना। दिन के 2 घंटे दे लो 2 महीने तक, अब इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना, ऐसा मत करना कि जनरल अवेयरनेस पढ़ रहे हो तो दिन में 3-4 घंटे जनरल अवेयरनेस पर लगा रहे हो, ठीक है, इसकी वेटेज बहुत कम है, एग्जाम में 450 नंबर है, और साथ ही साथ ये थोड़ी अनप्रेडिक्टेड रहती है, हो सकता है आप सब कुछ पढ़ के जाओ कुछ भी ना है इसमें से, तो लिमिटेड टाइम इसके लिए डिवोट करना, बहुत ज़्यादा मेहनत जनरल अवेयरनेस में अब आपको नहीं करनी, टाइम इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई, जो वीडियो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे आपको देखनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पे भी अलग से लिंक डाल दूंगा उन सभी वीडियोज का, तो वो सब देख लेना, उससे बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, और काफ़ी अच्छा आप स्कोर करोगे। ये सारी चीज़ें हो गई हमारी कि किस तरह से हमें पढ़ना है, ठीक है, कितना पढ़ना है ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप जॉब के साथ पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे, ठीक है। ये मैंने रफ आइडिया दिया कि कम से कम इतना इतना तो पढ़ ही लेना, बाकी अलग अलग हो सकता है हर एक पर्सन के लिए। अगर हम रिविज़न की बात करें, रिविज़न कैसे करनी है भाई, ये चीज़ दिमाग में बिठा लो, दिन का 1 घंटा रिविज़न के लिए निकालना है। दिन में अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हो, 7 घंटे आपने पढ़ाई करी, 1 घंटा रिवीजन करना ही करना है, जो उस दिन सीखा उसका रिवीजन, साथ ही साथ जो पिछले दिन सीखा उसका रिवीजन, ये 2 रिवीजन आपको हर रोज करने हैं, ठीक है। जिस दिन जो 8 घंटे हैं, 8 में से मैं सपोज कर रहा हूँ 8 घंटे आप पढ़ रहे हो, 7 घंटे में नई चीज सीखी, तो जो ये 1 घंटा है उसमें जो इन 7 घंटे में सीखा, इसका एक बार ओवर रिव्यू ले लिया, एक बार पढ़ लिया कि क्या क्या सीखा, ये रिवाइज करना है, और जो पिछले दिन में आपने 7 घंटे में सीखा था उसको रिवाइज करना है इस 1 घंटे के अंदर, ठीक है, एक बार गो थ्रू कर देना है, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। और संडे का पूरा दिन, 6 दिन आप पढ़ाई करोगे, 7वें दिन इसके पूरे के पूरा 8 घंटे, पूरे के पूरा 8 घंटे आपको सिर्फ रिवीजन पे देने हैं, ठीक है। आप कितना भी पढ़ लो कुछ भी फायदा नहीं होगा अगर आपका रिवीजन अच्छा नहीं हुआ, जो चीज़ आपके दिमाग में रटी पड़ी होंगी ना, बैठी भी होंगी, ठीक है, क्वान्टिटी जो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट होंगे बिल्कुल वही आप एग्जाम में यूज कर पाओगे, जो नई चीज़ें आप सीख के जाओगे वो आपको याद नहीं रहेंगी एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पे टाइम की कमी रहती है पेपर में, आपका पेपर छूट जाता है, पेपर छूटना नहीं चाहिए, और पेपर तब नहीं छूटेगा जब आप जो कॉन्सेप्ट आपने जितना भी पढ़ा अगर बहुत अच्छे से याद होगा तो उसमें आप टाइम बचा लोगे, और वो टाइम आप यूज करोगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में जो नए क्वेश्चंस होंगे। तो ऐसा नहीं है बहुत नई नई चीज़ें पढ़नी है, जो चीज़ें आप पढ़ चुके हो उसे बार बार रिवाइज करते हैं, और रिविजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल रिविजन आपको करनी है हर चीज़ की। तो दिन का 1 घंटा रिविजन के लिए रोज देना है, और संडे वाले दिन पूरा दिन रिवीजन के लिए देना जो पूरे हफ्ते में पढ़ा। फिर इसे पैटर्न फॉलो करना है, ठीक है। एक हफ्ता आपने पढ़ा, संडे को रिवीजन कर लिया, फिर दूसरा हफ्ता ऐसे ही चला, तीसरा हफ्ता ऐसे ही चला, चौथा हफ्ता ऐसे ही चला, फिर 28 दिन आपके हो गए। लास्ट के 2 या 3 दिन जो बचे महीने के, उसमें भी सिर्फ आपको क्या करनी है, रिवीजन करनी है, कुछ नया नहीं पढ़ना। तो ये मान के चलो हफ्ते में आपके पास कितने दिन है, एक पूरे महीने में सिर्फ 24 दिन है। हर हफ्ते के 6 दिन और टोटल 4 हफ्ते, 24 दिन आपको पढ़ाई करनी है, बाकी की 6-7 दिन आपके सिर्फ रिवीजन में जाएंगे और इन 24 दिन में भी 1 घंटा आपका रिवीजन में जाएगा, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मॉक्स की बात करें, ठीक है, अभी ये हट नहीं रहा तो यहीं से देख लो, ठीक है। मॉक्स किस तरह से देने मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। मॉक्स में क्या करना है, अभी आपका पेपर 2.5 महीने दूर है, थोड़ा टाइम है पेपर में, तो अभी हफ्ते में 1 मॉक दे लो, ठीक है। बहुत सारे हैं जहाँ पे आपका वीकली फ्री मॉक्स भी आता है, ठीक है, तो आप वो मॉक दे सकते हो, ठीक है। हफ्ते में अभी सिर्फ 1 मॉक देना है, बाकी मैं आपको बता दूंगा डिटेल कि कौन सा मॉक आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन फिलहाल हफ्ते में 1 मॉक दो आप। जब आपके एग्जाम में 1 महीना बचे, 1 महीने पहले हर दूसरे दिन 1-1 मॉक देना स्टार्ट कर दो, ऑल्टरनेटिव डेज पे आप मॉक दो, और जब 15 दिन बचे आपके एग्जाम में तो फिर डेली 1 मॉक दो, ठीक है। मॉक देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और मॉक देना भी कैसे है, मॉक देना भी आपको कंप्यूटर पे है, मोबाइल में मॉक नहीं देना, ठीक है। मोबाइल में टेक्स्ट अलग होता है, जब आप एग्जाम में रियल एग्जाम में पेपर दे रहे होते हो तो वहाँ पे टेक्स्ट अलग होता है, तो मोबाइल में तो नहीं देते आप रियल एग्जाम, कंप्यूटर पे देते हो। तो कोशिश करनी है अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप हो, मॉक उसी में देना है, मोबाइल में अवॉइड करना है। नहीं है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन कोशिश करो कंप्यूटर लैपटॉप पे ही मॉक दो, ठीक है। अलग अलग टाइम पे मॉक देने की प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपको पता है अलग अलग शिफ्ट्स में आपका एग्जाम होता है, तो अलग अलग टाइम पे मॉक दो, एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स मत रखो। जब एडमिट कार्ड आ जाएगा उसके बाद एक ही टाइम पे मॉक देना है, ठीक है, अलग अलग टाइम पे मॉक देना है। और वीकली दो स्टार्टिंग में, फिर ऑल्टरनेटिव डेज पे, फिर डेली। इस तरह से आपकी मॉक की चीज़ें चलेंगी। अभी से ऐसा मत करना कि रोज 1-1 मॉक दे रहे हो अभी से ही, उसको कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। पहले आपको कोर्स कंप्लीट करना है, ठीक है, उसके बाद मॉक्स पे जाना है। मॉक देने का पैटर्न भी यही होता है, आपको क्या करना होता है, 3 सेक्शन होते हैं आपके, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश। ये तीनों सेक्शन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते, तो इन तीनों सेक्शंस को आप किसी भी पैटर्न में कर सकते हो अटैम्प्ट। लेकिन जो क्वांट का सेक्शन होता है वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो उसे सबसे लास्ट में ही आपको अटैम्प्ट करना है, ठीक है। तो मेरा तो तरीका ये रहता है कि सबसे पहले जनरल अवेयरनेस, फिर इंग्लिश, फिर रीजनिंग और फिर क्वांट। लेकिन अब जो मैंने 3 सेक्शन बताए हैं स्टार्टिंग के, वो कैसे भी अटैम्प्ट कर सकते हो। क्वांट सेक्शन सबसे लास्ट में अटैम्प्ट करना, क्योंकि हो सकता है क्वांट सेक्शन में एक आधा क्वेश्चन आपका फंस जाए जिसकी वजह से दिक्कत आ जाए, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा टाइम आप वहाँ पे ले जाओ। तो क्वांट सेक्शन लास्ट में अटैम्प्ट करना, और कोशिश करना पेपर को 2 से 3 अटैम्प्ट में कंप्लीट करना। पहले सबसे ईजी क्वेश्चन सारे कंप्लीट करना, उसके बाद फिर क्या करना, फिर थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन, फिर उससे अच्छे लेवल के क्वेश्चन, ठीक है। मॉक देने का तरीका ये होता है कि 2 से 3 बार के में आपका पूरा पेपर खत्म होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार के में कर रहे हो, सारे क्वेश्चन करते हुए चल रहे हो, क्वांट में भावुक नहीं होना, ठीक। तो यही डेट्स ऑल, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, और मुझे लगता है इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी। और मैं वीडियोस तो क्रिएट कर ही रहा हूँ रेगुलर बेसिस पे, तो कुछ ना कुछ आपको प्रोवाइड करता रहूँगा इंपॉर्टेंट कंटेंट जो कि आपको हेल्प देगा पेपर में, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप पे प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी मिल जाएंगे, और इससे रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, ठीक है। सारी डिटेल्स मैं आपको यहाँ पर देता ही रहता हूँ। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। बहुत अच्छे से पेपर देना और बहुत अच्छे से तैयारी करना।